Hello friends, welcome to the Degun classes, the educational and professional classes for all, whether it is government exam preparation candidate or for the school students too. NCERT का reference है, सारे points NCERT के हैं, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही beneficial है. तो चलिए start कर लेते हैं अपने chapter को. इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइबर्स क्या होते हैं, फिर नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स उसके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर प्लास्टिक पढ़ेंगे उनके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, इफ़ेक्ट क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का, और इन इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए कम करने के लिए जो 4R प्रिंसिपल्स हैं हम उसको पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सीज़न के अकॉर्डिंग, हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वेराइटी और क्वालिटी के हमारे पास जो है फैब्रिक्स यानी कि क्लॉथ्स अवेलेबल होते हैं. और ये फैब्रिक और क्लॉथ किससे बनाए जाते हैं? फाइबर से. तो फाइबर क्या है तो चलिए देखते हैं. थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स विच आर इन टर्न मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड विच इज़ कॉल्ड फाइबर्स. फाइबर्स जो है बहुत ज़्यादा ही पतले पतले रेशे टाइप में होते हैं. थ्रेड देखा है आपने, थ्रेड के अंदर आप नोटिस करेंगे और थ्रेड्स होते हैं पतले पतले, और फिर उन थ्रेड्स के अंदर और आपको बारीक बारीक थ्रेड्स मिलेंगे. तो वो जो सिंगल पतला थ्रेड है जिसको हम स्ट्रैंड बोलते हैं, रेशे बोलते हैं, वो फाइबर होता है. तो फाइबर को, बहुत सारे फाइबर्स को इकट्ठा करके एक थ्रेड बनाया जाता है यानी कि यार्न बनाया जाता है, और फिर उस थ्रेड को यूज़ किया जाता है किसमें? फैब्रिक को वूवन करने में यानी कपड़े की बुनाई में. तो ये हमारा फाइबर था. अब देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, वन इज़ नेचुरल फाइबर एंड द अदर इज सिंथेटिक फाइबर. दो फाइबर्स हैं हमारे पास. अब देखिए, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स वी गेट फ्रॉम नेचर. जो हमें नेचर से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं. और नेचर से कौन कौन से सोर्स से मिलते हैं? एक हमें प्लांट से मिलता है, एक एनिमल से. एक हमारा हो गया प्लांट फाइबर, दूसरा हमारा हो गया एनिमल फाइबर. और प्लांट फाइबर से हमें जो मिलते हैं वो हमारा कॉटन होता है और जूट होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है. एनिमल में जो हमें मिलता है वो सिल्क है और वूल है. तो ये हमें नेचुरली मिलता है एनिमल और प्लांट से, इसलिए इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. तो चलिए आप देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं. फाइबर्स दैट आर फॉर्मुलेटेड आर्टिफिशियली. जो आर्टिफिशियली यानी कि जो वास्तविक नहीं है, नकली तौर पे जो है, रियल नहीं है, वो बनाया जाता है बाय ह्यूमन, ठीक है. उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. जो एक्चुअल नहीं है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है. और ये जो बनाया जाता है फॉर्मुलेटेड बाय जॉइनिंग टुगेदर अ चेन ऑफ स्मॉल दैट आर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस. और ये किससे बनाया जाता है? केमिकल्स का यूज़ करके बनाया जाता है. और केमिकल का यूज़ करके बनाया जाता है इसीलिए इनका जो फाइबर होता है उसे पॉलीमर कहा जाता है. तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं सारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है. पॉलीमर को मैं आपको और अच्छे से आगे बताऊंगी. देखिए, सिंथेटिक फाइबर में फिर आपके जो हैं 4 टाइप्स के आते हैं. एक आपका रेयन हो गया, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिस्टर. पॉलिस्टर में फर्दर 2 टाइप्स के हो गए, टायरलीन और पेट. फिर आपका हो गया एक्रिलिक. एक एक करके देखते हैं कि सब चीज़ें क्या हैं. देखिए, सबसे पहले पॉलीमर को जान लेते हैं. पॉलीमर वर्ड जो है हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना है. वन इज़ पॉली एंड द अदर इज़ मर. पॉली का मीन्स होता है मैनी, और मर का मीन्स होता है यूनिट, यानी कि बहुत सारे यूनिट्स को जोड़ के पॉलीमर बनता है, और फिर उस पॉलीमर से हमारे फैब्रिक बनते हैं. तो देखिए, ये आपके पास मैं एक नेकलेस लेके आई हूँ. आप ये नेकलेस में ये मोती देख रहे हैं. ये जो एक मोती है, इस एक मोती को बोला जाता है आपका मोनोमर, ठीक है. ये एक मोती एक मोनोमर है, दूसरा मोती दूसरा है मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, यानी सबसे छोटा यूनिट.
ठीक है। और इस नेकलेस में जितने भी मोनोमर्स हमने डाले हैं और सारे मोनोमर्स ने मिलके एक क्या बना दिया है, एक चेन बना दी है, और इस चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ठीक है, सिंगल यूनिट मोनोमर हो गया, एक छोटा सा बीड मोनोमर हो गया, जब बहुत सारे बीड्स को बना के हमने एक माला बना ली, एक नेकलेस बना ली, तो वो हमारा पॉलीमर हो गया। तो सारे केमिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के हमने पॉलीमर बनाया। वो पॉलीमर नायलॉन हो सकता है, रेयॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस टाइप के हम बना रहे हैं। और फिर उससे हमने क्या बनाया, अपने फैब्रिक्स बनाए। ठीक है, अब देखिए कॉटन तो नेचुरल फाइबर है, लेकिन ये नेचुरल पॉलीमर भी कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसका जो पॉलीमर है वो सेलुलोज होता है। गॉट इट? कॉटन का पॉलीमर सेलुलोज है, और सेलुलोज का जो मोनोमर है ग्लूकोज। कहने का मींस है ग्लूकोज सबसे छोटा यूनिट है, ग्लूकोज को कंबाइंड करके सेलुलोज बनाया, तो सेलुलोज हमारे पास पॉलीमर हो गया। उस पॉलीमर से कॉटन का फाइबर बन गया और उससे हमने कपड़े बना लिए। तो पॉलीमर इज द यूनिट ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक एक करके सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सबसे पहला आ गया रेयॉन। देखिए रेयॉन क्या होता है, रेयॉन इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स लाइक वुड पल्प। रेयॉन जो है नेचुरल रिसोर्स से बनता है, वुड पल्प। तो फिर हम इसको सिंथेटिक क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी यूज़ होता है। सिंथेटिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्स तो ले रहे हैं, वुड पल्प तो ले रहे हैं, बट कुछ केमिकल भी इस पर अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको सिंथेटिक में लिया जाता है। और इसीलिए इसको कम्प्लीटली सिंथेटिक नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है हमें सेमी सिंथेटिक, यानी कि पूरा नहीं सिंथेटिक है, हाफ सिंथेटिक है। ठीक है, तो अब देखिए ये इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। ये जो है चीपर है देन सिल्क। एक और चीज़ बता दूँ, रेयॉन जो है हमारा बहुत बिल्कुल वेरी मच सिमिलर टू द सिल्क, बहुत ज़्यादा सिल्क की तरह दिखाई देगा आपको, एकदम सिल्क की क्वालिटी दिखाई देगी, बट ये सेमी सिंथेटिक है। तो ये चीप होते नेचुरल सिल्क से, ठीक है, इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। इट डज नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिलेंस ड्यू टू विच दे आर ईजिली प्रोन टू गेट रिंकल्स। इनमें भी जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी तरह जो है रेयॉन में जो है रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर रेजिलेंसी नहीं होती है। अगर हम इसको अच्छे से नहीं रखेंगे तो ये सिलवटें पड़ जाती हैं इसके अंदर। और इनसे बनने वाले मटीरियल्स हैं हमारे बेडशीट, फिर आपके शर्ट और साड़ीज़ वगैरह हो गई, कॉटन का ही मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है इसकी। ये देखिए रेयॉन है, आप देखेंगे बिल्कुल ही सिल्क जैसा टेक्सचर आ रहा है इसका। ठीक है, नायलॉन, इट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट एंटायरली सिंथेटिक फाइबर। मैंने आपको बताया जो रेयॉन है वो सिंथेटिक तो है बट सेमी सिंथेटिक है, इसीलिए नायलॉन को फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। 1931 में ये बनाया गया विद द हेल्प ऑफ कोल वाटर एयर, कोल वाटर एयर का यूज़ करके, कम्प्लीटली केमिकल यूज करके बनाया गया है इसको। इट इज़ एन इलास्टिक लाइट वेटेड एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। जो हमारे नायलॉन होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये ना खींचते हैं, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम उसको खींचेंगे तो ये स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, लाइट वेट होंगे और इनका जो फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ड्यूरेबल होता है। उसके बाद इसमें जो है कुछ जो हमारे नायलॉन है लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनिंग वाले होते हैं, कुछ हाफ शाइनिंग वाले होते हैं और कुछ डल होते हैं। तीनों टाइप्स के हमारे पास नायलॉन अवेलेबल है। ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है इसलिए इनको वॉश करना इजी है। ठीक है, इस फाइबर से हम, क्योंकि इसकी जो है इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है रॉप्स, सीट बेल्ट, टूथब्रश वगैरह बनाने के लिए, स्लीपिंग बैग्स और टेंट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, वन इज हमारा है पॉली जिसको हम बोलते हैं मैनी, और दूसरा है ईस्टर जिसका मतलब होता है केमिकल कंपाउंड। ठीक है, इसी ईस्टर के नाम पे जो फ्रूट्स होते हैं ना, फल होते हैं, उनके केमिकल नाम रखे जाते हैं। तो पॉली मीन्स बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को इकट्ठा करके क्या बनाना, पॉली पॉली
पॉलीमर बनाना, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। इनकी रेजिलेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पॉलिस्टर की खासियत है कि इसकी रेजिलेंसी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसको कितना भी अगर संभाल के अब नहीं रखेंगे, कैसे भी रख देंगे, सिकुड़ जाएंगे, कैसे भी हम इसको मोड़ के रखेंगे तो ये सिकुड़ेंगे नहीं, इस पर रिंकल्स नहीं पड़ते, ठीक है। और इसमें दो टेस्ट मैंने बताए थे, एक एक तो आपका टेरालिन बताया था, दूसरा पेट बताया था। टेरालिन जो है वो यूज़ होता है फैब्रिक्स बनाने के लिए, ये देखिए टेरालिन से बनाया गया है, ठीक है। और पेट जो होता है वो मटेरियल यूज़ होता है आपका पॉलिस्टर का बॉटल्स बनाने में, पेट बॉटल्स बनाने में, ठीक है। इसके अलावा शर्ट, ट्राउज़र, जैकेट, कर्टन, बेडशीट, माउस पैड, रोप, फैब्रिक जो है, उसके अलावा कुशन, पिलोज वगैरह के कवर वगैरह सब कुछ बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो रेजिलेंसी अच्छी होती है और ये स्ट्रांग भी होते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो पॉलिएस्टर है उसका एक सबसे बड़ा खासियत है कि हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ताकि दो फाइबर की क्वालिटी को ज्वाइन करके थर्ड फाइबर बना के अच्छी क्वालिटी हम ले सकें। जैसे पॉलिएस्टर और कॉटन को लेके पॉली कॉटन बनाया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, पॉलिस्टर और कॉटन दोनों की क्वालिटीज़ को मिक्स करके एक बेस्ट क्वालिटी का हमने क्या कर दिया, फैब्रिक तैयार कर दिया। पॉलिस्टर जो है ड्यूरेबल है, सूखता जल्दी है, रिंकल्स नहीं पड़ते, फेडेड नहीं होते। और कॉटन जो हमारा सॉफ्ट होता है, डाई करना ईजी है और ब्रीथेबल है, यानी कि हवा को आने देती है हमारे कपड़ों के आर पार, जिससे हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इन दोनों क्वालिटी को मिला के पॉली कॉटन बनाया, जो श्रिंक नहीं होगा, चीप होगा, शेप अलग अलग और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होगा, ब्रीथेबल है, सॉफ्ट है और लेस फेडिंग है, फेड नहीं होगा, बहुत कम फेड होगा। इसके अलावा वूल और पॉलिस्टर को मिला के भी पॉली वूल बनाया जाता है, जो वूल जैसा हमें फैब्रिक प्रोवाइड करता है। तो सबसे बेस्ट फीचर है पॉलिस्टर का कि हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करके बेस्ट क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ टाइप का एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है वेरी मच सिमिलर टू वूल, ये वूल जैसा होता है, ऊन जैसा होता है। ये देखिए वूल का ग्लव्स, एक्रिलिक का ग्लव्स, ठीक है। ये लाइट वेट होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, गर्म होते हैं और ये वूल जैसे दिखते हैं, ठीक है। वूल जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर द सिंथेटिक फाइबर इज इनएक्सपेंसिव। और इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि जो एक्रिलिक है, वो हमें सस्ते पड़ते हैं नेचुरल वूल से, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा ये जो है इम्परवियस होता है मॉस, ऑयल, केमिकल सब्सटेंस से, यानी कि ये जो है ऑयल, कीड़े और केमिकल वगैरह का जो है इन वूल्स पे, इन सिंथेटिक वूल्स पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। उसके अलावा रेसिस्टेंट होते हैं वर्सन फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर। कहा जाता है कि जो वूल्स होते हैं वो धूप में ख़राब होते हैं, बट जो सिंथेटिक वूल्स होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं सनलाइट के, यानी कि उसके एक्सपोजर में ही ख़राब नहीं होते हैं। और इनका यूज़ किया जाता है स्वेटर, ट्रैक सूट, लाइनिंग्स, वूड ग्लव्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है ख़राब ना होने की, केमिकल का इफ़ेक्ट ना होने की वजह से। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों हम इसको प्रेफर करते हैं। सबसे पहला है इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि थ्रेड जो है स्ट्रांग होते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, इनएक्सपेंसिव होता है नेचुरल रिसोर्स से, लाइट वेटेड होते हैं यानी हल्के होते हैं, स्मूथ होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ईजी टू मेंटेन, इनको संभालना, इनको रखना बहुत ईजी होता है। ईजी वॉश एंड ड्राई, इनको सुखाना धोना भी आसान होता है। रेजिलेंट होते हैं रिंकल्स के, ठीक है, क्योंकि इन सिंथेटिक कपड़ों पे बहुत ना के बराबर ही रिंकल्स पड़ते हैं, यानी कि सिलवटे सिकुड़ते हैं, इसीलिए इनको जो है क्लॉथ की इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत डिमांडिंग होती हैं ये। अब हमारे पास प्लास्टिक आ जाते हैं। देखिए प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। और उसके अलावा ऑयल, कोल, मिनरल प्लांट जैसे नेचुरल रिसोर्स का मिक्सिंग करके बनाया जाता है। तो इन दोनों को मिक्स कर, तो ये नेचुरल रिसोर्स भी यूज़ करके बना जाते हैं और केमिकल का यूज़ करके भी, ठीक है। इसमें दो टाइप किसके आते हैं हमारे, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक दो टाइप्स की आती हैं, ठीक है।
दिस फाइबर फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन मॉडर्न इंडस्ट्री ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस. ये जो है बहुत ज़्यादा ही प्लास्टिक का यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में, हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह में. क्यों, क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है रेजिस्टेंस टूवर्ड कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? आप लोग देखते हैं जो आयरन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर ब्राउन और ग्रीन कलर का ना कुछ लेयर बन जाता है. क्या होता है कि जब हम एनवायरनमेंट में रखते हैं ना इसको, तो मॉइस्चर से, एनवायरनमेंट से, हीट से, पानी की वजह से, एयर की वजह से ना वो ना आयरन ना ख़राब हो जाता है, उसका लेयर ख़राब हो जाता है. तो जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, ठीक है. बट जो हमारा प्लास्टिक है ये कभी भी ख़राब नहीं होता इस एनवायरनमेंट में, ठीक है. इसका कोरिजन नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं. प्लस में इनकी जो है ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, लंबे समय तक चलता है, ठीक है. और जो है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी और हाई रेशियो स्ट्रेंथ और वेट होता है, अलग अलग कलर में होता है. ये शॉक को रोक सकते हैं, पानी को अवॉइड कर सकते हैं. उसके अलावा सस्ते होते हैं और लो टॉक्सिक, क्योंकि नेचुरल चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं तो इनमें टॉक्सिक का अमाउंट भी कम होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है. इन फीचर्स की वजह से ये प्लास्टिक जो है डिमांडेबल होते हैं, ठीक है. तो इनका यूज़ जो है हर जगह होता है, हर जगह हर चीज़ में, जैसे कि बच्चों के टॉयज से लेके सूटकेस बैग तक, ब्रश तक, डिस्पोजेबल कप टेबल. और आप देखेंगे कि हमारे जो बॉटल्स वगैरह हैं, कटलरीज वगैरह हैं, उसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं. यानी कि हर फील्ड में बिकॉज ऑफ इट्स फीचर, इसके जो फीचर्स हैं इसकी वजह से ये हर फील्ड में यूज़ होते हैं, ठीक है. अब थर्मोप्लास्टिक क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं. टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बताया था, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक. थर्मोप्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड एंड बेंट ईजिली ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको हम हीट करके उसे शेप दे देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम उसी को अगर हम दोबारा हीट करेंगे तो वो जो है अपना शेप बदल लेते हैं और उसको दूसरे शेप में हम बदल सकते हैं. यानी कि एक प्लास्टिक को हम हीट देके अलग अलग शेप में कई बार बदल सकते हैं, ठीक है. थर्मोप्लास्टिक जो है यूज़ होता है आपका ज़्यादातर टॉयज, कॉम्स जैसे चीज़ें बनाने के लिए, ताकि इसको हम रीयूज़ कर सकें, रीयूज़ हो सके हीटिंग के बाद. तो इसमें दो टाइप्स के हमारे पास प्लास्टिक होते हैं, एक होता है पॉलीथीन, दूसरा होता है पीबीसी, ठीक है. तो इन दोनों में देखिए क्या है. पॉलीथीन क्या होता है? इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स. हमने देखा है ना प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं जिसमें हम सामान लाते हैं, चीज़ें लाते हैं, तो वो पॉलीथीन से ही बनाया जाता है. पॉलीथीन मीन्स पॉली का मीन्स हो गया मैनी, इथीन का मीन्स हो गया मोनोमर, यानी वही सेम चीज़ बहुत छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके पॉलीथीन मोनो पॉलीमर बनाया जाता है, जिसका यूज़ होता है इसमें चीज़ों को कैरी करने के लिए. दूसरा हमारा थर्मोप्लास्टिक है पीवीसी. पीवीसी का क्या यूज़ है? पीवीसी को बोलते हैं हम पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसकी फुल फॉर्म है पॉलीफिनाइल क्लोराइड. ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन लाइट वेट होता है, ठीक है. और इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल. ये रिजिड भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं जिसको हम मोड़ नहीं सकते, ऐसे भी हो सकते हैं जिसको हम मोड़ सकते हैं, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है बैंक के जो कार्ड्स वगैरह आपने देखे होंगे उसमें जो प्लास्टिक यूज़ होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनको पैकिंग करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है. उसके अलावा जो है आप देखेंगे फ्लोरिंग जो टाइल्स होती है वो पीवीसी टाइल्स होती है, वो पीवीसी से ही बनाया जाता है. उसके अलावा लेदर हो गए, इलेक्ट्रिक की जो तारें होती हैं, इंसुलेशंस, इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट, रबर, सारी चीज़ें जो हैं सारी हमारी पीवीसी से ही बनाई जाती हैं, ठीक है. अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग आफ्टर बीइंग मोल्डेड वंस. एक बार इस टाइप के प्लास्टिक को एक बार हमने मोल्ड करके जो शेप दे दी, फिर हम उसको हीट करेंगे भी तो ये अपनी शेप नहीं बदलेगा, उसी शेप में रहेगा, अपनी
शेप को फिक्स कर लेता है, इसीलिए इसको थर्मो सेटिंग बोला जाता है। और अगर हम इसको हीट देके कोशिश भी करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनमें दरारें पड़ जाएंगी, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे, इनमें जो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे बाय हीट। अब थर्मोस्टेटिंग दो टाइप्स की होती हैं, बैकेलाइट मेलामाइन। अब देखते हैं ये बैकेलाइट और मेलामाइन क्या हैं। बैकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, यही रीज़न है कि इसका यूज़ होता है यूटेंसिल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, बिजली के बोर्ड जो होते हैं उसके जो स्विचेस होते हैं वो बैकेलाइट से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, इसमें बिजली पास नहीं होती तो हमें करंट नहीं लगता। और दूसरा बर्तन, आपने देखा होगा आपके घर में जो फ्राई पैन होता है, सॉस पैन होता है, उसकी जो हैंडल पे प्लास्टिक लगा होता है, वो प्लास्टिक जो होता है आपका बैकेलाइट होता है। क्यों? क्योंकि हम जब हैंडल को पकड़ते हैं ना उस प्लास्टिक की जगह से, तो आपका बर्तन गर्म भी होता है ना, तो प्लास्टिक गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है किसके, हीट के, इसीलिए वहाँ भी बैकेलाइट यूज होता है, क्योंकि बैकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर है हीट का प्लस में इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें और बिजली के सामान में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेलामाइन क्या होता है। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटीरियल, वर्सेटाइल होता है, एक फीचर नहीं बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसके अंदर। फायर को रेसिस्टेंट करता है, यानी कि फायर को अपने आर पार नहीं आने देता, हीट को टॉलरेट करता है। ठीक है, जैसे कि अदर प्लास्टिक जो नहीं कर पाते, अदर प्लास्टिक हीट में आने पे डिफॉर्म हो जाते हैं, बट ये नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, इसका भी मेलामाइन का भी यूज़ किया जाता है आपका टाइल्स वगैरह में, उसके अलावा किचन के जो सामान होते हैं उसको बनाने में, प्लस जो फायर मैन जो होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनके जो क्लॉथ्स होते हैं वो भी मेलामाइन के ही बनते हैं। देखिए इनके जो ड्रेस है मेलामाइन की बनाई गई है, ताकि जब ये आग कि एक्सीडेंट को क्योर करें तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। और बैकेलाइट से देखिए बिजली के इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जब हम बिजली का वर्क करें तो जहाँ से हम इन चीज़ों को पकड़ रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक पास ना हो। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स हो गए प्लास्टिक के जिसकी वजह से हम इसको इतना यूज़ करते हैं, तो लाइट वेट होता है लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लाइट वेट होता है लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इनएक्सपेंसिव हैं, सस्ते हैं। ठीक है, इसीलिए हाउस होल्ड के चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। और एक से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉन रिएक्टिव, यानी कि इनका कोरिजन नहीं होता, एनवायरनमेंट में इनमें जंग नहीं लगता, ड्यूरेबल है, इसीलिए अलग अलग साइज और शेप में इसको हम बार बार कन्वर्ट कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। पुअर कंडक्टर है हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए इनका यूज़ होता है बिजली के सामान बनाने में, इलेक्ट्रिक चीज़ों को बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, स्विच बोर्ड बनाने में, इसलिए इनका यूज़ होता है। तो यूज़ क्या क्या है इनके, वही सारी चीज़ फिर से आ गई। इनका यूज़ हम करते हैं, आप देखेंगे कि प्लास्टिक के जो हम इक्विपमेंट्स घरों में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे थ्रेड यूज़ करते हैं स्टिचिंग के लिए, ग्लव्स यूज़ करते हैं बिजली के काम को करते वक्त ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं प्लास्टिक से। ठीक है, उसके अलावा कुकवेयर जो है, खाना पकाने की जो चीज़ें होती हैं वो बनाया जाता है, ताकि क्योंकि उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। उसके अलावा टेफ्लॉन एक और प्लास्टिक हमारे पास है जो वाटर और ऑयल को रेसिस्ट करता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है कुकवेयर बनाने में, घरों में जो खाने पीने के लिए जो चीज़ें हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उन्हें बनाने में, ताकि ऑयल और पानी से ख़राब ना हो। टेफ्लॉन की आपने क्रॉकरीज वगैरह देखी होंगी, क्योंकि वो ख़राब नहीं होते पानी और तेल से, क्योंकि टेफ्लॉन से बना है जिसकी क्वालिटी होती है, ऑयल और वाटर को रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स को। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। जो सब्सटेंस, देखिए दीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए हम अपने घरों से डेली कितने वेस्ट गार्बेज फेंकते हैं, कचरे फेंकते हैं, तो उसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, वो होते हैं जो एनवायरमेंट में खुले रहने पे कुछ टाइम बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन कचरों पे ग्रो कर जाता है और धीरे धीरे इस पर प्रोसेस करके इसको डिकम्पोज करके ख़त्म कर देता है, और
क्या कर देता है, एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता है, साथ में जो इनसे न्यूट्रंस मिलते हैं वो भी मिट्टी में मिक्स कर देता है, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो हम अपने घरों से बॉटल्स, क्रॉकरीज और प्लास्टिक पेपर बैग वगैरह जो फेंकते हैं वो होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में खुले रहने पर कितने भी दिन क्यों ना खुले रहें, इनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं कर पाते, इसको ख़त्म नहीं कर पाते, तो ये एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े रह जाते हैं जो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल जो है वो रिसाइकल हो जाते हैं नेचुरली, क्योंकि डिकम्पोज हो जाते हैं तो पोल्यूशन भी नहीं होता और एनवायरनमेंट को, मिट्टी को क्या, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसाइकल नहीं होते हैं, बदले में ये एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, ठीक है। इनका जो वेस्ट है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है बायोडिग्रेडेबल का, जैसे कि प्लांट डाई प्लांट होते हैं, आप वेजिटेबल और फ्रूट के पील्स होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें आपका आता है सिंथेटिक मटेरियल, जैसे कि आपके मेडिसिन का रैपर हो गए, बॉटल्स हो गए, क्रॉकरी हो गए, आपका कंटेनर वगैरह हो गया वो, ठीक है। तो ये जो डिकम्पोज होते हैं तो एक क्या बना देते हैं, फर्टिलाइज़र बना देते हैं मिट्टी के लिए, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलाइज़र बना देते हैं नेचुरल। और ये जो डिकम्पोज होते हैं तो केमिकल बनाते हैं जो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, मिट्टी को भी ख़राब करते हैं। तो देखिए ये हमारे हाउस होल्ड वेस्ट है, ये पोटैटो पील्स हैं, ये जो है क्या आपके प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपके प्लास्टिक बॉटल्स, कंटेनर्स, कप, पॉलोथीन्स, ये जो हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये एनवायरनमेंट में कितने भी लंबे समय तक पड़े रहेंगे ना, ये एज इट इज़ रहेंगे, ये डिकम्पोज नहीं होंगे बल्कि केमिकल प्रोवाइड करेंगे एनवायरनमेंट को। तो इसीलिए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या है, हम जो पॉलीबैग बॉटल्स वगैरह फेंकते हैं उससे जो है जो सीवेज होती है, जो आपके नालियाँ नहरें होती हैं वो क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि वो जाम हो जाती हैं, ठीक है। सॉइल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मिट्टी ख़राब होती है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन ऑफ मर्करी, डीडीटी एंड अदर केमिकल इन बॉडी, देखिए जब एनवायरनमेंट में नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है तो वो केमिकल छोड़ते हैं, वो केमिकल मिट्टी में जाते हैं, और वो मिट्टी में जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो वो केमिकल्स जो हैं प्लांट में चले जाते हैं, फिर उन प्लांट्स को जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ह्यूमन बींग हो या एनिमल हो, जब उसको खाते हैं तो वो केमिकल इनकी बॉडी में भी जाता है, और लगातार वो इस प्रोसेस से इनकी बॉडी में केमिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं, जिससे कि इनके बॉडी में बायो मैग्निफिकेशन होता रहता है, यानी कि केमिकल्स जो है बड़े लेवल पे इकट्ठे होते जाते हैं, जो इनके लिए हार्मफुल हैं, इनके डेथ का भी रीज़न हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि केमिकल निकलता है, लैंड पोल्यूशन होता है क्योंकि केमिकल्स जो है लैंड में मिक्स हो जाती हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, हम जो वेस्ट है वाटर में भी थ्रो कर देते हैं तो हमारे पानी भी पोल्यूटेड होती है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जो हमारा नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि केमिकल की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। डेथ का रीज़न है कैटल्स का, कैटल्स जैसे कि गाय होती है हमारी, काऊ, कि हम जो चीज़ें फेंकते हैं हम देखते हैं कि काऊ वगैरह जो उसको ना ऐसे ही खा लेते हैं पॉलीथीन के साथ, ठीक है। एंड इन देयर स्टमक पॉलीथीन रिमेन एज इट इज़, प्लास्टिक जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एज इट इज़ रहती है, और उनकी बॉडी में प्लास्टिक इकट्ठी होती जाती है, जिससे कि टॉक्सिक मटेरियल उनके बॉडी में क्या होते जाते हैं, स्टोर होते रहते हैं, जो इनके डेथ का रीज़न हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी प्लास्टिक्स में हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ऑयल केमिस्ट्री एंड इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, और साथ में ये एक्वेटिक लाइफ को भी हार्मफुल करते हैं, जिस नदी नहरों नालों में हम फेंकते हैं वेस्ट, उनमें रहने वाले जो पानी के जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी को भी क्या करता है, ये इनफर्टाइल करता है, क्योंकि केमिकल की वजह से मिट्टी ख़राब हो जाती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको यूज़ करना चाहिए, जिन्हें बोलते हैं 4R प्रिंसिपल। 4R में फर्स्ट R है रिफ्यूज़, हमें इस टाइप के बॉटल्स वगैरह को, उन चीज़ों को यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को रिफ्यूज़ करिए। रिड्यूस
जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें, जैसे कि प्लास्टिक के बर्तनों की जगह हम स्टील वगैरह के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए, यानी कि रिड्यूस एंड रिसाइकल। जिन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको रिसाइकल कर लेना चाहिए, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, इनको हम रिसाइकल करके उन्हीं से नए बना लें, ताकि एनवायरमेंट में ना फेंक कर एनवायरमेंट भी गंदा ना करें और ये प्लास्टिक और ये चीज़ें हमारी दोबारा से यूज़ भी हो जाए। एंड द लास्ट इज़ reuse। जो बॉटल मान लीजिए आपके पास है, आपने पानी पीने के बाद उसको यूज़ करने के बाद फेंकने वाले हैं, उसको ना फेंक के उसको ऐसे घर में रखने के लिए चीज़ें बना लें, ताकि एनवायरनमेंट में फेंकने से वो पोल्यूटेड भी ना हो, दूसरा आपके जो चीज़ें हैं उनको भी एक जगह मिल जाए रखने के लिए। तो आप रिफ्यूज़, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज का यूज़ करके नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेंट्स को, मटेरियल्स को अवॉइड कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं और इनडायरेक्टली अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही था, चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।